जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, प्रिया प्रियतम का अखंड चिंतन करें, बस यही सार है। अभी मन में अनेक वासनाएं हैं, अनेक कर्तव्य बुद्धियां भरी हैं। सब वासनाओं के जल जाने पर ही प्रिया प्रियतम के प्रेम की नींव खुदेगी, जीवन की धारा उनकी ओर मुड़कर सच्ची चाह उत्पन्न होगी। अभी तो सच पूछें, भजन की नकल भी नहीं पूरी हो रही है, बस उनकी कृपा की बाट देखते रही। सिवा युगल सरकार के और कुछ भी नहीं दिखे। इसका सरल से सरल उपाय है कि मन में युगल सरकार के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। फिर मन में ही नहीं, बाहर की आँख भी जहाँ जाएगी वहाँ युगल सरकार ही दिख पड़ेंगे। वस्तुतः युगल सरकार के अतिरिक्त देखने के लायक कोई और वस्तु है भी नहीं, पर हम लोगों का मलिन मन इस बात को नहीं मानता, यही दुर्भाग्य है। जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए, बातों बातों में ही जीवन समाप्त होता जा रहा है। यदि प्रिया प्रियतम के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो यहाँ की सारी सफलता व्यर्थ है। दूसरे बातों से अनुराग होता भी नहीं, उसके लिए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। जब तक कुछ भी बचाकर रख लेने की वासना है तब तक प्रेम की बात करना तमाशा सा है। अतः कहना यह है कि मन ही मन जरा यहाँ के मोह को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। माना आप में त्याग है, पर साथ ही सात्विक चेष्टा के नाम पर बहुत सी ऐसी चेष्टाएं भी आप करते हैं जिनमें आपकी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अतः एकमात्र वही आपको करना चाहिए जिससे प्रिया प्रियतम के प्रेम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। थोड़ी सावधानी रखें जिससे आपके द्वारा जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं उनमें रोक लगे। सारी बात इसी पर निर्भर करती है कि प्रिया प्रियतम की स्मृति कितनी होती है। स्मृति बढ़ रही है तो रास्ता ठीक है, किंतु इसमें कमी आ रही है तो आप रास्ता भूल गए हैं। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन को सावधानी से बिताइए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।